नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे विदेश में रहने वाले बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझेंगे कि क्या गलती करने पे विदेश में आपका जॉब भी जाएगा, नौकरी जाएगी, डिपोर्टेशन भी होगा और इंडिया में आपकी बेइज्जती होने वाली है। समझिए इस बात को। सिंगापुर में भारतीय सेफ को हुई जेल। 3 महीने में 2 नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ की, लिफ्ट और ट्रेन में स्टेशन पर गलत तरीके से छुआ। और ये वो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, जहां पे लड़की को जबरदस्ती उसने गले लगाया और भद्दे कमेंट किए गए, मोबाइल नंबर लिए गए, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। आगे देख सकते हैं सिंगापुर में एक भारतीय शेफ को 3 महीने में 2 नाबालिग लड़कियों को छेड़ते हुए दोषी पाया गया कोर्ट की तरफ से। जी हाँ, जिसमें 3 महीने और 4 हफ्ते की सजा मिली है। दोषी का नाम सुशील कुमार है, उम्र 44 साल बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सुशील ने एक लड़की से ट्रेन स्टेशन और एक लिफ्ट में छेड़छाड़ की थी। अब आप सोचिए इसमें आपको क्या लगता है भाई। देखिए, 44 साल का सुशील कुमार जो सिंगापुर में सेफ का काम कर रहा था, उसने 2 लड़कियों को अलग अलग जगह छेड़ा। एक लड़की को नंबर मांगे, एक पता पूछने के बहाने उनसे बातचीत हुई, फिर उसको जबरदस्ती गले लगाया, जैसा कि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है, और उसको नंबर मांगे, बाद में नंबर भी ले लिए गए। दूसरी लड़की को उसके बाद में उसने लिफ्ट में छेड़छाड़ की, जिसमें वो लड़की भाग नहीं सकी। उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया, फिर उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने CCTV कैमरे की मदद से पूरी जानकारी लिए, उसको गिरफ्तार किया गया और उसको सजा भी सुना दी गई। क्योंकि सिंगापुर जैसे बहुत सारे देश, छोटी छोटी कंट्री है भाई, इंडिया में नहीं है कि आज मुकदमा हुआ 10 साल तक ये चलता रहा, वहां पे 10 महीने में इससे पहले ही फैसला हो जाता है। अब आप सोचोगे बहुत सारे लोग, ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी 44 साल का बंदा 2 लड़कियों को छेड़ नहीं सकता, बहुत सारे लोगों की सोच होती है। लेकिन यहां पे गौर करने की बात है, देख सकते हैं पुलिस ने ये बोला, CCTV के जरिए सुशील कुमार का पता चला। ये एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एविडेंस बन जाता है। जैसे इन देशों में भाई आपको पता है हर जगह CCTV कैमरे लगे होते हैं, आप झूठ पे किसी का इल्जाम नहीं लगा सकते, CCTV में साफ आता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है, एविडेंस भी जमा किए हैं, उसके बाद में उसको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में उसको एक से डेढ़ महीने की 2 अलग अलग सजाएं उनको सुनाई गई है। अब ये चीजें क्या दर्शाती है, पहली बात तो भाई आप अपना नाम खुद का तो खराब कर रहे हैं, परिवार वालों का कर रहे हैं, देश का भी नाम खराब कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह होती है कि आपका जॉब चला गया, मुश्किल से आप लोग ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं, लाखों आपकी तनख्वाह होती है, गलत मानसिकता के साथ कुछ अलग हरकत आप कर देते हैं उस देश में लाइफ टाइम के लिए। जिस देश में आपको सजा हो गई ना, उस टाइम में लाइफ टाइम के लिए उस देश आप नहीं जा सकते, बैन हो जाओगे, ये सच बात है। और तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ फायदा होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो विदेश में जाके आपको अवॉइड करनी चाहिए। इंडिया में चल जाता है आप कर लेते हो, लेकिन जिस देश में जाते हो वहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ आपको बड़ा मुआवजा आपको चुकाना पड़ता है। यहाँ पे बेइज्जती तो हुई है ना, आपके घर वालों का, आपके जान पहचान, गांव के रिश्तेदार, तो सबको ये आजकल सोशल मीडिया पता लग जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इन चीजों से आपको बचना चाहिए, ताकि आपका, आप देश का, आपका और आपके परिवार का नाम खराब ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।